बहुत लेट हो गया उठने में, 8 बज गए, थके हुए इतने थे पता ही नहीं चला, सोते रहे, उठने में बहुत लेट हो गए, 8:15 बज रहे हैं। खो खो खो, वही पेपा पिग उठ गया, वही कैसी आई पेपा पिग नींद, ओहो ओहो अभी भी ड्रामे, ओ तेरी बोले कैसी नींद आई, अच्छी आई, मजा आया ना, आया। चलो भाई अब बनाते हैं चाय, बाहर का भी नजारा देखते हैं क्या है। ये कैंप साइट है यहाँ पे, यहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी कर रखी है। अभी सोच रहे हैं कि चाय ऊपर ही बना के नाश्ता जो है नीचे नदी पे जाके वहीं पे बैठ के करेंगे, देखते हैं अभी कितनी देर में नाश्ता। अभी उठे हैं, तबीयत थोड़ी जुकाम हो गया क्योंकि पहले से तबीयत ठीक नहीं थी, इसी वजह से उठे भी काफ़ी लेट हैं, नहीं तो हम तो जल्दी उठ जाते हैं, बट इसी वजह से लेट उठे हैं कि तबीयत ठीक नहीं थी। लो जी चाय हो चुकी है तैयार, और इधर हमारे सब्सक्राइबर भी आ गए थे, कैमरा ऑन नहीं कर पाए, एक ही था उनमें से हमारा सब्सक्राइबर जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ था, ग्रुप था वो 10-12 जन का, एक ने किया हुआ था, पंजाब से हैं। अब पीते हैं चाय, गर्मा गर्म चाय तैयार है। दुगु ऐसे क्यों कर रहे हो बेटा, ले लो आप, ले लो सारे, लेने ले लो, ले कहाँ जाओगे रो के, ले भी मां तो दुगु भी दग गया एक बिस्किट के पीछे, रो रहा है, चलो उसको मना के लाते हैं। कहाँ है भाई, क्या हुआ बच्चे को, क्या हुआ, चल क्यों इतनी अच्छी चाय बना के दी है, अच्छी तो बना के चाहिए, देखो जो भी जो भी गैस जला के दे चाय बना, जो भी बड़े शेफ होते हैं ना उनके पास असिस्टेंट होते हैं। अरे तो ते शेफ आप पहले लो लेवल पे रहो, जब आपकी प्रमोशन होगी तब देखेंगे आपके लिए असिस्टेंट। नहीं मैं अपनी प्रमोशन कर चुका हूँ ऑलरेडी, खुद ही खुद ही, हमें तो खाने पसंद नहीं आया, आ तू चलो रात को, अब तुम बनाना मैं नहीं बनाऊंगा, इतना बढ़िया चौक कटा था। अब दुकान ढूंढने जा रहे हैं, तो बटर की जरूरत पड़ गई है, बटर कल लिया नहीं था, ध्यान नहीं रहा, वैसे तो देसी घी भी है हमारे पास, पर बच्चे कह रहे हैं इनको नकली खाने की आदत है, आलू के पराठे के ना बटर अच्छा लगता है। हाँ तो बटर अच्छा लगता है क्योंकि तुम्हें नकली खाने की आदत हो चुकी है, असली घी तो खा पचता नहीं ना तुम्हारे, तुम्हें टेस्ट नहीं आता उसमें, आजकल के बच्चे ऐसे हो गए हैं, ये असली चीज़ बोल दो ना जी। अब ये स्पेशल दुकान ढूंढने जा रहे हैं, इन्होंने बताया कि है एक दुकान यहाँ पे, चलो देखते हैं, देखना यहाँ पे पानी कितना तेज हो रहा है, यहाँ पे देखो, हाँ फिर क्या देखो इधर है दुकान, देखते हैं कहाँ कौन सी है दुकान, यहाँ तो लॉक लगा हुआ है, कौन सा वो है क्या आगे, अरे ये तो वही आ गई जहाँ से, वो ट्रेन वाली जगह, हाँ यहाँ तो गाड़ी भी आई हुई है, कहाँ से आई हुई है ये देखो, तो यहाँ से आई है ना, ये देखो रोड है, हाँ तो इसको चलाते कैसे हैं ये, ये देखो मैकेनिज्म बना हुआ है, यहाँ से कुछ ट्रेन टाइप चलती थी छोटी सी, ये दो पटरियाँ बनी हुई हैं, ये यहाँ से शुरू हो गए देखो, ये जा रही है पूरी वहाँ से, ये जो सामने पॉइंट दिख रहा है आंटी जी भी जा रही है वहाँ से एकदम से, देखो खड़ी है, रोलर कोस्टर टाइप ही लग रहा है, पर एकदम वहाँ से तो एकदम खड़ी है ऐसे, तकरीबन 90 तो नहीं 70 डिग्री तो है, 70 से 75 डिग्री तो है, इतना एकदम से खड़ी है। लो जी जा रहे हैं नदी की तरफ, अब
आराम से चलना बच्चों, यहाँ से निहित बहुत आराम से। रूपासी इसको भी सपोर्ट दो, मतलब साथ में रहो इसके, पर पता लगे तो खुद ही गिर रही, इसको तो क्या बचाएगी, तू तो घर में गिर जाती है पर आराम से आराम से आराम से बेटा जंप नहीं। पहुंच गए नदी पे और रूपासी के हाथ जल गए, इतना गर्म पानी चल रहा है। चलो आ जाओ डुबकी मारते, बहुत गर्म है। आ जाओ देखो कितना क्लियर पानी है, देखो सब कुछ दिख रहा है अंदर। चल के नाश्ता करते हैं नदी पे, चलो भाई चलो। यहाँ आटा लगना शुरू हो गया और वहाँ सीटी लगने वाली है। पापा मैं बोलूँ क्या? हाँ जी बोलो। हम यहाँ पे आए और माउंटेन में अभी कल जाएंगे अपने घर। बस हम आए हैं यहाँ पे माउंटेन में अभी और कल जाएंगे, आए हैं और जाएंगे, बस दो ही बातें। और ये क्या चाबी दे रहे हो कानों की, स्टार्ट नहीं हो रही है क्या? हाँ पत्थर भी है, इनका जीरो पॉइंट नेचर कैंप है इस नाम से है। ये इनके दिखा देते हैं बने हुए, ये इनका जो है डाइनिंग एरिया है, अंदर किचन है, ये इधर वॉशरूम है, नीट एंड क्लीन है, ये भी वॉशरूम है, और ये इनके टेंट बने हुए हैं। चलिए जो आगे खुला है वो दिखा देते हैं आपको, ये ऐसे देते हैं नीचे ताकि नीचे से कुछ सिलन ना आए, ऊपर ये गद्दे सिंपल, एक वहाँ पे कनेक्शन दे देते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, ये दिए हुए हैं इन्होंने, ये बनाए हुए हैं इनके पास। ये 1 2 3 4 5 6 सभी रेडी हैं और ये रेडी कर रहे हैं। हाँ और इधर देखो सीट के ऊपर लड़ाई हो रही है, दोनों बैठ जाओ, दोनों शेयर कर लो। अंदर से रूपासी चेयर निकाल ले गाड़ी में से। लो जी अभी दूध बना रहे हैं, घेरते 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 अच्छे से, घेरते मिल्क शेक बन रहा है यहाँ पे। हमारे ब्लेंडर ने हमें स्कैम कर दिया, ये ब्लेंडर ने धोखा दे दिया चलानी, अब उधम सिंह के हाथों का ब्लेंडर चल रहा है जो अब देसी जुगाड़ से बना रहे हैं मैंगो शेक। हम जूस मंगा रहे हैं, परौंठे बनने हो गया शुरू, आलू के पराठे। हाँ बेटा पीछे रहो, अभी बना के लेके जाएंगे नीचे नदी पे, और वहाँ पे हाँ वहाँ पे तेरी मम्मी नहाएगी पहले, हाँ ठंडे ठंडे पानी में, फिर पराठे खिलाएगी सबको। कह रही मैं बिना नहाए पराठे नहीं खिलाऊंगी, और वो भी ठंडे पानी में। बच्चों के लिए बना दिया नाश्ता, आलू के पराठे, और देखो कहाँ बैठ के खा रहे हैं बच्चे, बिल्कुल नदी में। बच्चों ने कहा तो नदी में खाएंगे, तो चलो भाई नदी में बैठ के खा लो। और ये हमारा निहित, ये भी देख क्या मस्त बना है निहित, इधर इधर रख लो आप बैठ, यहाँ पे बैठ जाओ, यहाँ पे खाते रहो आलू का पराठा, और साथ में मैंगो शेक, और साथ में बह रही है मस्त मस्त नदी, बहाव कितना तेज है यहाँ पे।
आप वहीं रहना बेटा, इधर मत आना। ले भाई माला भी जा रही है और मैं भी जा रहा हूँ वहीं पे अपना नाश्ता लेके। बच्चे वो बैठे हैं। ले 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 संभल तो रहा। नहीं कोई संभल रहा, से बहुत अच्छी बना रहा भाई। और ये निहित हमारा व्लॉगिंग करते हुए वीडियो बना रहे हैं। हाँ अरे मम्मी को दिखाओ। हाँ वाह सुबह सुबह क्या आलू के पराठे अपने हाथ से बने हुए। तो बच्चों क्या अच्छा बना था, मैंगो शेक या पराठे? मैंगो शेक। जो ये मैंगो शेक पापा ने बनाया है। पराठे में नमक ज्यादा है। थोड़ा है। चलने को हो चुके हैं तैयार। गाड़ी कर दी है पैक पूरी, सब सामान रख दिया है। नहाया नहीं हूँ क्योंकि तबीयत हो रही है ख़राब, जुकाम हो रहा है, तबीयत सही नहीं है। सब हो गया तैयार, बैठ चुके हैं गाड़ी में, बच्चे तो बैठ चुके हैं। अरे बैठ चुके हैं कहाँ, ये तो लेट चुके हैं। हैं दो बंदर लेटे हैं, दो बंदर गाड़ी के अंदर। इस जगह को बाय बाय। बहुत ही प्यारी लोकेशन थी, बहुत मजा आया। लो जी अब हम निकल चुके हैं यहाँ से, इस जगह को कर दिया बाय बाय। अब चले हैं एक नई और लोकेशन ढूंढने, कोई अच्छी कोई और कैंपिंग लोकेशन मिल जाए, उसके लिए हम जा रहे हैं बड़े गांव की तरफ। सब चढ़ाई एकदम की है यहाँ भी पूरी। और ये जगह ऐसी है कि भीड़ भाड़ नहीं है, शांति है, सुकून है, मतलब आप 3-4 दिन यहाँ आराम से रह सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लग्जरी नहीं चाहिए, आपको अगर रेस्टोरेंट बहुत अच्छे कैफ़े वैफे नहीं चाहिए तो उसके उस वो सब यहाँ नहीं मिलेगा। बट हाँ अगर आप लोगों को ऐसी जगह देखनी है, इंटीरियर में आना है, तो ये जगह बेस्ट है।